गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू चिल्ड्रन? दिस इज योर मैथ क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज पुट द साइन ऑफ इक्वल। इसके पहले की क्लास में बेटा आपने ग्रेटर और स्मॉलर पढ़ लिया, आज हम आपको पढ़ाएंगे इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर, ठीक है। जैसे ये एक चौक है और ये भी एक ही चौक है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। बट अगर हमने इस हाथ में एक और चौक ले ली और यहाँ सिर्फ एक ही चौक है, तो ये क्या हो गया? ये इक्वल नहीं हुआ ना, ये तो इस चौक से ये चौक क्या हो गई? ग्रेटर हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ टू चौक हो गई और ये सिर्फ वन चौक है, तो ये स्मॉलर हो गई। बट अगर हम एक चौक रख देते हैं और दोनों हाथ में हमारे एक ही एक चौक है, तो ये क्या हो गया? इक्वल है। ये क्या है बेटा? बराबर है। ऐसे ही आपके घर में भी कोई भी मान लीजिए चीज है, मान लीजिए टू एप्पल है आपके पास, ठीक है, तो एक एप्पल आपको आपके मम्मा ने दिया और एक एप्पल आपके छोटे भाई को दिया, तो दोनों को इक्वल एप्पल मिले ना। लेकिन अगर आपको आपकी मम्मा ने टू एप्पल ज्यादा दे दिए और छोटे भाई के पास सिर्फ एक ही एप्पल है, तो आपका जो एप्पल है वो ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया ना, और छोटे भाई का एप्पल स्मॉलर हो गया, है ना। बट आज हमको यहाँ पढ़ना है इक्वल। पुट द साइन ऑफ इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर, ठीक है, कोई भी चीज जो कि बराबर हो। यहाँ मैंने बेटा आपके क्लास वर्क में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए, यहाँ भी मैंने 7 लिखा है और यहाँ पे भी मैंने क्या नंबर लिखा है? 7। इसमें टेंस तो नहीं है, 7 मंथ्स यहाँ भी है और 7 मंथ्स यहाँ भी है, तो दोनों नंबर आपके क्या है? इक्वल है। तो आप यहाँ कौन सा सिंबल लगाएंगे? इक्वल का सिंबल लगाएंगे। ओके, यहाँ क्या सिंबल लगाएंगे बेटा? इक्वल सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? मैंने यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16। वन टेंस, सिक्स वंस आर 16। यहाँ पे भी मैंने वंस टेंस, सिक्स वंस आर 16 लिखा हुआ है। दोनों नंबर क्या है? इक्वल है, ना इसमें से कोई ग्रेटर है और ना ही कोई स्मॉलर है। तो आप यहाँ क्या सिंबल लगाएंगे? इक्वल का सिंबल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? 28। यहाँ भी मैंने 28 ही लिखा है। टू टेंस, 8 वंस आर 28। टू टेंस, 8 वंस आर 28। दोनों नंबर क्या है? इक्वल है, बराबर है, ना इसमें से एक भी नंबर ज्यादा है और ना ही एक भी नंबर कम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कौन सा सिंबल लगाएंगे बेटा? इक्वल का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट नीचे मैंने कौन सा नंबर लिखा है? 35। नीचे मैंने कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 35। ठीक है, तो दोनों नंबर आपका क्या है? इक्वल। दोनों नंबर आपका क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट आपका क्या है? 4 टेंस, 2 वंस आर 42। यहाँ पे भी वही है, 4 टेंस, 2 वंस आर 42। दोनों नंबर यहाँ भी आपके क्या, इसमें से कोई ग्रेटर या स्मॉलर है? अगर मैं यहाँ 2 की जगह 8 लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये इक्वल बनेगा? यहाँ 4 टेंस और 2 वंस है, 42 है। यहाँ 4 टेंस और 8 वंस मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो यहाँ तो 48 आ गया बेटा। क्या ये इक्वल होगा? नो, इसमें ये नंबर, इसके कंपैरिजन में ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 42 लिखूंगी, तो दोनों नंबर आपका इक्वल है। और आप यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास वर्क समझ में आ गया होगा। आइए आपका होमवर्क देखते हैं। आपका होमवर्क है पुट द साइन ऑफ इक्वल।
जैसे मैंने आपको क्लास वर्क करवाया वैसे ही आपका होमवर्क भी है। मैंने एक तरफ 59, 64, 73, 89, 92 और दूसरी तरफ भी मैंने वही नंबर लिखा हुआ है 59, 64, 73, 89 और 92। आपको इसमें ग्रेटर और स्मॉलर के सिंबल नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ इक्वल वाले सिंबल लगाने हैं। आप इसको केयरफुली देखेंगे कि मैंने दोनों तरफ एक ही नंबर लिखा है ना या फिर कोई और नंबर लिख दिया है। अगर मैंने कोई और नंबर लिखा होगा तो आप इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, और अगर मैंने दोनों साइड एक ही नंबर लिखा है तो आप वहां क्या करेंगे, इक्वल का ही सिंबल लगाएंगे। जैसे नंबर वन में मैंने 59 और 59 दूसरे तरफ भी लिखा है, तो ये क्या है आपका, इक्वल है ना, ना ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है। तो आप वहां कौन सा सिंबल लगाएंगे, इक्वल का ही सिंबल लगाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ की बेटा चीजें जब बराबर होती हैं, ना ही ज्यादा होती हैं एक तरफ ना ही किसी तरफ कम, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, वो उसे मैथ्स में इक्वल कहते हैं, ठीक है, बराबर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपकी मम्मी ने, या फिर ये बुक ले लीजिए, आपकी एक बुक ये है और एक बुक ये दोनों बुक क्या है, इक्वल है, बराबर है, अगर अगल बगल रखी है। लेकिन अगर हम एक तरफ दो बुक रख देते हैं और एक तरफ सिर्फ एक बुक रहती है तो वहाँ इक्वल नहीं रहता है ना, क्योंकि वहाँ तो एक तरफ ज्यादा बुक हो गई और एक तरफ कम बुक हो गई, एक तरफ दो हो गई और एक तरफ सिर्फ वन है, एक तरफ टू है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इक्वल नहीं रहेगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, या फिर अगर आपको स्मॉलर उसमें शो करना है तो वो स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ आपके नंबर बराबर हैं तो आपका वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। इक्वल मींस, मैंने आपको अभी फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इक्वल मींस क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लास वर्क समझ में आ गया होगा। आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में इसी तरह से एक तरफ सारे ये नंबर लिखेंगे, फिर आप बॉक्स बनाएंगे, फिर आप दूसरी तरफ ये नंबर लिखेंगे और पढ़ेंगे, बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और देखते हुए लगाएंगे कि सारे नंबर इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप होमवर्क भी नोट करेंगे, 59 के एकदम सीधे ही 59 आपको लिखना है। आप मैंने जैसे क्लास वर्क में होमवर्क में जैसे नंबर आपको नोट कराया है आप वैसे ही लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे इसको। अगर आपने ऊपर नीचे लिखा तो ये स्मॉलर या फिर ग्रेटर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।